को बताएं, वजीर आजम सानिहा साहिवाल पर शदीद बरहम, अफसरान की कुर्सियां खतरे में, पुलिस अफसरान परेशान, मलबा किस पर गिरेगा। जीआईटी ने हाथ में सिफारिशात तैयार कर ली, सबकी नजरें वजीर आजम, वजीर आला पंजाब और जीआईटी रिपोर्ट पर हैं। आज ही पंजाब का ओहदा अहम हो गया है, मजीद जानते हैं इखलाक अहमद बाजवा से। इखलाक अहमद बाजवा, एक फैसला आना है और बहुत से सवाल हैं, क्या बताएंगे आप? जी बिल्कुल नवीद, ये जब से सानिया साहिवाल हुआ है तो सबसे ज़्यादा जो तनकीद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर हुई है वो पुलिस असलाहत के हवाले से हुई है, और जिस पर वज़ीर आज़म भी खासे बरहम हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अंदरूनी ज़राए हैं वो हमें कन्फर्म कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म इस हवाले से आईजी पंजाब से खुश नहीं हैं, उनकी कारकर्दगी पर सवालिया निशान है, और वज़ीर आला पंजाब भी जो हैं इस हवाले से काफ़ी नाखुश दिखाई दे रहे हैं। और जो ज़राए हमारे बता रहे हैं कि सानिया साहिवाल के बाद तहरीक इंसाफ के अंदरूनी जो चिपकलश है वो वाजिया हो चुकी है, दो ग्रुप बन चुके हैं जिसमें एक जानिब जो आईजी पंजाब हैं उनके हमायती हैं, जबकि दूसरी जानिब जो है वो उनको तब्दील किए जाने की खबरें भी काफ़ी गर्दिश में हैं। इस हवाले से जो आइंदा आने वाले चंद घंटे हैं वो इंतहाई अहम हैं, उसमें आईजी पंजाब को तब्दील किए जाने के भी वाज़ह इम्कान नज़र आ रहे हैं, और ये ज़राए कन्फर्म कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म ने इस हवाले से वज़ीर आला पंजाब को ग्रीन सिग्नल भी दे दिया है, जबकि दूसरी जानिब उनको बचाने के लिए उनके हमायती भी जो हैं वो सरगर्म अमल हो चुके हैं। उन्होंने वज़ीर आलम पाकिस्तान से कतर में इस मामले के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में चपकलिश मजीद बढ़ गई है। शुक्रिया मुजाहिद शेख, शुक्रिया अखलाक बाजवा, आपने अपडेट किया।